हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो माइक चेक। हेलो हेलो हेलो, क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जो पहली क्लिप थी उसका ऑडियो आया था मेरे इस डीटी के माइक से, और जो दूसरी क्लिप थी उसका ऑडियो आया था मेरे इस कैमरा के इंटरनल माइक से, और फर्क तो आपको समझ ही रहा होगा। सो आई हैव बीन अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ फिल्म मेकर सिंस द लास्ट 5 इयर्स, और इन 5 सालों में ना मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, और एक चीज मैंने नोटिस की है हमेशा, मतलब हर वीडियो में मैंने वो चीज नोटिस की है कि अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो आपका वीडियो। तो इन लास्ट 5 सालों में मैंने इतने टाइप के माइक्स यूज किए हैं कि मतलब इसका कोई हिसाब ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट इफ यू आर अ यूट्यूबर और अगर आपको एक अच्छा माइक लेना है इन बजट, ये वीडियो एंड तक देखना। द प्रो फोकस लेपल माइक, द DT D3 माइक, एंड नाउ माई पर्सनल फेवरेट ब्लू येटी नैनो। सो करंटली मैं ये 3 माइक्स यूज कर रहा हूँ अपने शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, यू नो, स्टोरी टाइम वीडियोस, व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, जब से ये 3 माइक मैंने लिए ना, मेरा जिंदगी सवर गया है भाई। तो पहले बात करते हैं अबाउट द DT D3 माइक। ये ऊपर ही आप माइक देख रहे हो, ये जो DT का शॉटगन माइक है इसको मैंने खरीदा था आज से लगभग 1 या 1.5 साल पहले, एंड यार इट्स अ वेरी गुड माइक। मैं पहले अपने M50 में भी यूज करता था, बट उसमें इतना अच्छा क्वालिटी इसका नहीं आता था, एंड फॉर सम अपेरेंट रीजन ये जब से मैंने अपने अल्फा में यूज करना शुरू किया है इसका क्वालिटी 10x हो गया है, और अब मतलब जो ऑडियो है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा आता है। इस माइक के ना बहुत सारे कॉन्स भी है। इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो बहुत खराब है, या तो पता नहीं मैंने इतना लंबा यूज कर लिया इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट अगर मैं इस माइक में AAA का सेल डाल दूं ना 25 डेज मैक्स ये चलेगा, फिर इसका बैटरी फुल डेड हो जाता है, तो हर 20-25 दिन के बाद है ना मेरे को इसका बैटरी चेंज करना पड़ता है, जो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। कॉन नंबर 2 इसके ऊपर का जो फोम है, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको खींचूंगा ना ये सीधा हाथ में आ जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है दैट मैं कहीं पे व्लॉग कर रहा हूँ और ये फट से गिर जाता है, तो यार ये थोड़ा मगजमारी का काम है, बहुत गंदा वाला विंड पकड़ेगा ये, बिकॉज ये देखो, और अब देखना फर्क देखा, बस यही। इंडोर में तो आपने सुन लिया कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, अब देखते हैं इसका आउटडोर क्वालिटी कैसा है। तो अभी मैं आया हूँ अपने बालकनी में, तो ये सॉर्ट ऑफ आउटडोर ही हो गया, बिकॉज आई लिव ऑन द मेन रोड, और यहाँ पे ना बहुत गाड़ियों की आवाज आती है, बहुत हवा वगैरह आती है, और अभी तो बहुत सारे लोग हॉर्न भी मार रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी आप ये जो आवाज सुन रहे हो इज फ्रॉम द DT माइक, और मेरे को बताओ आप लोग कॉमेंट्स में कि आउटडोर में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। आई यू नॉट एबल टू हियर बाहर की आवाज, या आपको बाहर की आवाज इतनी ज्यादा आ रही है कि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, जिसके लिए आप सभी लोग रुके हुए हो। ये माइक मेरे को पड़ा था 1.5 साल पहले अराउंड 7,000 के आसपास, अब इसका रेट कितना है मेरे को पता नहीं है, बट समझ के चलो 7,000 to 8,000 के बीच में ये मिलेगा आपको। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रोड शॉटगन माइक, गो फॉर द DT1, 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा, बट ये काफी बेटर है कम्पेयर टू द रोड माइक। तो ये वाला जो माइक है दिस इज अ वायरलेस लेपल माइक फ्रॉम प्रो फोकस, और ये ना रोड का कह सकते एक सस्ता कॉपी है, लेकिन इसकी क्वालिटी रोड जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक बिगनर हो ना तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसको मैंने खरीदा था आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले। माइक के भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, तो पहले बात करते हैं अबाउट द प्रोज। इसका सबसे बड़ा प्रो ये है कि मैं अगर इतना दूर भी लेके जाऊँ ना, तो अगर कोई शॉटगन होता तो वो इतनी क्लैरिटी से आवाज नहीं देता, बट बिकॉज ये एक वायरलेस माइक है और ये लगभग है ना 10-15 फीट तक तो आराम से चले जाते हैं, और जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाता हूं, या फिर अगर मुझे बस खड़े खड़े ऐसे घूमते घूमते कुछ बात करना है, या फिर अगर मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूं, दैट्स व्हेन आई यूज दिस प्रो फोकस का वायरलेस माइक, या फिर यहाँ पे जो क्लिप है इसे अपने यहाँ पे टी शर्ट पे लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। और मैंने कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज अपने क्लाइंट के लिए शूट किया इससे, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा आया, वो भी आउटडोर में। तो वंस अगेन आई एम आउट इन माई बैल्कनी, और ये जो आवाज है इज फ्रॉम द प्रो फोकस माइक। कम डिस्टेंस पे शूट कर रहे हो आउटडोर्स में भी तो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, एंड अगर इंडोर्स कर रहे हो तो इट इज वेरी वेरी गुड। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये वाला माइक आपको कैसा लगा। इसके अंदर ना आपको 2 ट्रांसमीटर्स मिलेंगे, तो आप दोनों से बात कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप कोई इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर अगर आप कोई पॉडकास्ट अपने दोस्त के साथ बैठ के बना रहे हो, ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है जब कोई कन्वर्सेशन बेस्ड चीज को आप शूट करते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस माइक्रोफोन, बहुत सारे कॉन्स है। सबसे पहला कॉन तो यही है, इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो इतनी बेकार है कि मतलब आप कोई लंबा शूट इस पे कर ही नहीं पाओगे। मान लो अगर आपको 4-5 घंटे का कंटिन्यूसली कुछ शूट करना है, ये माइक पे आप नहीं कर पाओगे। कॉन नंबर 2 इज इसमें ना बहुत बार, मतलब ठीक है ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है, इसका जो नॉइज है ना वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब कोई इंसान बात करे और बीच में ना निकल जाता है, और फिर यार पूरा जो फ्लो उसकी बैंड बच जाती है। तो आप ये वाला माइक आराम से ना 7,500-7,000 के आसपास खरीद सकते हो। सो बिफोर आई शो यू ऑल द नेक्स्ट माइक्रोफोन व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट एज ऑफ नाउ, लेट मी शो यू समथिंग मच मोर इंटरेस्टिंग।
सो टुडे विद मी आई हैव द मामाअर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मैं बाहर इतना ज्यादा घूमता हूँ ना कि डस्ट और पॉल्यूशन से क्या होता है कि मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ आ जाता है, और जब से मैं मामाअर्थ के शैम्पूज यूज करना चालू किए ना, मेरा डैंड्रफ बहुत ज्यादा कम हो गया। तो मेन रीजन व्हाई आई यूज मामाअर्थ इज बिकॉज मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री। इसी के साथ साथ व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। लेट मी टेल यू दैट मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दैट मींस ये लोग जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते उससे कई ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, Purple, Nykaa, मामाअर्थ की वेबसाइट, Flipkart, ऑफलाइन स्टोर्स नियर यू। एंड इफ यू यूज माय कोड Aman2023 तो आपको एक मस्ट 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट देयर iOS एंड Android एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। हेलो 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 हेलो, नहीं कनेक्टेड नहीं है, ऐसी आवाज़ नहीं आती इससे। सो द थर्ड माइक्रोफोन इज द ब्लू येटी नैनो। तो ब्लू येटी जो है आई एम 110% श्योर आप में से हजारों लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये माइक्रोफोन आप सिर्फ घर पर ही यूज कर सकते हो या फिर अगर कोई स्टूडियो में शूट कर रहे हो तभी यूज कर सकते हो ना, कहा लैपटॉप लेके आप आउटडोर शूट करते रहोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस ब्लू येटी माइक्रोफोन, द क्वालिटी इज सो गुड कि अगर आपको कोई स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाना है या फिर अगर आप कोई इंटेंस चीज के बारे में बात कर रहे हो ना, इसको इतना नजदीक रखो और बात करो भाई, क्या ऑडियो आएगा। यहाँ पे एक क्लिक करोगे ना तो उससे ये ना अपने मोड्स चेंज करते रहेगा। तो अगर आप एक इंटरव्यू कर रहे हो तो इसको बस बीच में रखो, ओमनी डायरेक्शन पे रखो एंड दो लोग जो बात करे वो पूरा सुनाई देगा। टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, अगर इसके अंदर एक फीचर दिया हुआ है कि ये कैमरा से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है तो इतनी गंदी आवाज क्यों आती है। पॉइंट नंबर टू, इसके ऊपर है ना एक फोम फिल्टर नहीं आता है, तो आप कभी भी कुछ भी बात करते हो ना तो ये जो आप बी और पी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना वो इतने गंदे साउंड करते हैं कि आपको फिर झक मरा के ना ₹1000 का अलग से पॉप फिल्टर लेना पड़ेगा। हाय गाइस, अब ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो इज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लू येटी नैनो माइक्रोफोन, और इसमें मैंने कोई पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह नहीं किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ना ऊपर कोई भी मैंने ये नहीं डाला है, फोम फिल्टर वगैरह नहीं डाला, और मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं जोर से बोलूंगा एकदम नजदीक लाके तो आवाज फटेगी और मुझे आप लोग के कान नहीं फाड़ने हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक फोम फिल्टर डाल दूं फिर देखो आवाज कैसा आता है। तो अब मैंने फोम फिल्टर डाल दिया है एंड कुछ तो फर्क आया ही है, आई एम 110% श्योर अबाउट इट। लेकिन अगर इसमें को और फर्क लाना है तो मैं इसको पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा और मस्ती करके दिस इज वॉट इट विल साउंड लाइक आफ्टर आई एडिट द साउंड इन पोस्ट प्रोडक्शन। एंड नाउ जस्ट इमेजिन अगर आप कोई हॉरर डीप डार्क सीक्रेट बता रहे हो अपने लाइफ का, तो यह कितना ज्यादा अच्छा होगा और कितना ईजिली लोगों को इसके बारे में समझेगा। द साउंड इज सो गुड।